राज्य के एकमात्र अहेरी तहसील के कमलापुर स्थित शासकीय हाथी कैंप में शनिवार को एक नए हाथी का आगमन हुआ है। प्रियंका नामक 12 वर्षीय हथिनी ने एक मादा हाथी को जन्म दिया है, जिसके कारण इस हाथी कैंप में हाथियों की संख्या अब 8 पर पहुंच गई है, जिसमें अजीत, मंगला, बसंगी, गणेश, प्रियंका, रूपा, रानी और नए मेहमान का समावेश है। वर्ष 2020 के बाद एक 3 हाथियों की मृत्यु के लंबे अरसे के बाद यहां नए मेहमान का आगमन होने से कैंप परिसर में अब पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। नए हाथी के आगमन की जानकारी मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ पशु वैद्यकीय डॉक्टर की टीम कमलापुर हाथी कैंप में दाखिल हो गई है। अधिकारियों के अनुसार नए मेहमान का नामकरण जल्द ही किया जाएगा। बता दें कि ब्रिटिश कालीन के दौरान दक्षिण गोदावरी के नाम से परिचित इस क्षेत्र के कमलापुर कैंप के हाथियों से सागौन के लट्ठों की आवाजाही की जाती थी। जिस समय देश आजाद हुआ, यह हाथी कैंप वन विभाग को हस्तांतरित किया गया। वन कानून की शर्तों के कारण हाथियों से सागौन की आवाजाही पर रोक लगाई गई, तभी से यह कैंप पर्यटन क्षेत्र के रूप में परिचित है। हाथियों के विचरण के लिए यह विशाल तालाब के साथ ही पहाड़ी व जंगल उपलब्ध है। 28 जून 2020 तक कैंप में हाथियों की कुल संख्या 10 थी। मात्र 29 जून को आदित्य नामक 4 वर्षीय हाथी की दलदल में फंसने से मृत्यु हो गई थी। 3 अगस्त को केवल 32 माह की सई नामक मादा हथिनी भी मृत हो गई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया था। इस घटना के केवल 3 दिन बाद ही 6 अगस्त अर्जुन नामक हाथी की भी मृत्यु हो गई थी। मात्र शनिवार को प्रियंका नामक 12 वर्षीय हाथी ने एक मादा हाथी को जन्म दिया। फलस्वरूप अब हाथियों की संख्या बढ़कर 8 पर पहुंच गई है। 2 वर्ष पूर्व नक्सलियों ने कैंप में तोड़फोड़ की थी। वर्ष 1980 से जिले में नक्सलवाद बदस्तूर जारी है। कमलापुर को नक्सलियों के रूप में भी पहचाना जाता है। नक्सलियों ने जिले में प्रवेश करने के बाद अपनी पहली जनसान इसी गांव में ली। मात्र कमलापुर के हाथी कैंप के कारण यहां लगातार बढ़ रही भीड़ और युद्ध स्तर पर हो रहे विकास कार्यों के कारण नक्सलियों का यह आधार क्षेत्र घटने लगा था। इसी का विरोध करते हुए नक्सलियों ने 2 वर्ष पूर्व कैंप परिसर में प्रवेश करते हुए उत्पात मचाया था। पर्यटकों के लिए यहां उपलब्ध कराए गए विभिन्न साहित्य की नक्सलियों ने तोड़फोड़ भी कर दी थी। कुछ दिनों तक दहशत के चलते इस कैंप को बंद भी करवाना पड़ा। मात्र अब यह कैंप एक बार फिर गुलजार होने लगा है। पर्यटकों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। इस कैंप में शनिवार को नए मेहमान का आगमन हुआ। जानकारी मिलते ही पशु वैद्य के डॉक्टर कैंप रवाना हुए। डॉक्टर ने प्रियंका के साथ साथ नन्हे हाथी के स्वास्थ्य की जांच की। दोनों की हालत अच्छी है। नए मेहमान का नामकरण एक कार्यक्रम लेकर किया जाएगा। वर्तमान में सभी वनाधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। जिले के कमलापुर क्षेत्र में जहाँ पे हाथियों की झुंड में एक मादा हाथी ने बच्चे को जन्म दिया, उसके बारे में विस्तार हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जिले के जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनके पास डिटेल जानकारी चाहिए। नमस्कार, शासकीय हत्ती कैंप कमलापुर सिरोंचूर स्थितासून या ठिकाणी दिनांक 8 जनवरी रोजी प्रियंका नामक जी वादी हत्ती होती, तिने एक पिल्ला जन्म दिला। त्याचं कालच माननीय उपनसंरक्षक सिरोंचा तसेच माननीय उपनसंरक्षक गडचिरोली यांच्या उपस्थितीमध्ये नामकरण विधी पार पाडण्यात आला। तसेच त्याची जी फिमेल काल्प आहे त्याची स्थिती उत्तम आहे। त्याचं नामकरण आणि लक्ष्मी असं सर्व मताने ठरवण्यात आलेलं आहे। या ठिकाणी सर्व टोटल जवळपास 8 हत्ती आहेत। त्याच्यामध्ये 2 नर आहेत आणि बाकीच्या 7-6 या ज्या फिमेल आहेत। जैसा सर आपने बताया कि जो हाथी जन्म लिया वो माता हाथी है, उसका नाम लक्ष्मी रखे आपने। इस लक्ष्मी की जो जन्म हुआ है उसके बारे में डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत शामराव कोरवा है, पशु वैद्य अधिकारी बनने से ताड़ा बांदर व्याघ्र चंद्रपुर। जो कमलापुर एलिफेंट कैंप है, इस कैंप में 8 तारीख को एक प्रियंका नाम की जो मादी है जिसकी उम्र 12 साल है, उसने एक नॉर्मली डिलीवरी एक काफ डिलीवर किया है, जिसका अभी सर ने बताया उसका नाम लक्ष्मी रखा हुआ है। तो बेसिकली वो या जो काफ है लक्ष्मी एकदम हेल्दी है और मिल्क लैक्टेशन वगैरह एकदम बढ़िया चल रहा है। तो वेट कितना है? वेट अप्रॉक्सीमेट अभी मेरे हिसाब से तो 90 के आसपास की नॉर्मल वेट उसका बाय बर्थ इतना होता है।
ये कैंप में सभी हाथियों का एक विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है। आप नेचर को देख रहे हैं, दिस इज आइडियल प्लेस, इट्स हेवन, यू कैन कॉल इट हेवन फॉर द एनिमल। हाँ यार, नेचर तो बहुत सुंदर है। जैसे यार आप ऊपर कैमरा से घुमाएंगे आप देखेंगे कि भाई नेचर एकदम जानवरों के हिसाब से जो चाहिए नेचर में वही नेचर इनके लिए चूज़ किया गया, पहाड़ियों के बीच में जहाँ इनको पानी की दिक्कत ना हो। सर इनके फूड के माध्यम से आप इनको विशेष चीज़ क्या करते हैं? जैसे बच्चा तो पैदा हुआ तो उसको कुछ प्रोटीन आप दोगे? नहीं, अभी ये जो बच्चा है अभी कम से कम 2 साल तक तो मिल्किंग में रहेगा, यानी 6 महीने तक तो पूरा प्योरली मिल्क में रहेगा, उसके बाद में उसको मिक्स डाइट हम चालू कर सकते हैं। आलापल्ली से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर के साथ आसिफ पठान।